हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड क्लास है। तो पहले क्लास में हमने क्या देखा था, रेट एक्सप्रेशन, रेट हम कैसे लिखते हैं, उसका यूनिट, ये सब मतलब एकदम ही प्रिलिमिनरी जगह जो था वो हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये सब का जो काइनेटिक्स है वो जो डेरिवेशन फॉर्मूला और उसके साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक चीज़ हमको और जानना पड़ेगा रेट के बारे में। दैट इज़ हमने जो इक्वेशन से रेट निकाला था, दैट इज़ ए प्लस बी टू अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हम रेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखते थे। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमने लिखा था डीपीडीटी, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अगर ए का बोलते हैं तो ए का हो जाएगा डीएडीटी और वो होगा माइनस में, अगर बी का बोलते हैं तो हो जाएगा माइनस डीबीडीटी। ये इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टोइकोमेट्री कितना दिया है, वन है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, वन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं टू ए प्लस बी टू प्रोडक्ट, और कोई ऐसा इक्वेशन जहाँ पर टू ए प्लस थ्री बी इक्वल से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस टाइम हम कैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो इसके बाद ये सब इक्वेशंस लिखने के टाइम पर हमको ये याद रखना पड़ेगा, हमको जब कंपेयर कर रहे हैं, ओके, तो हम कंपेयर करने के टाइम पर हमको हमेशा ही वन मोल पर कंपेयर करना पड़ता है। मतलब ये तो टू मोल ऑफ कंजम्पशन ऑफ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है वहाँ पर टू मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है वन मोल ऑफ बी के साथ, तो जितना बी कंज्यूम होगा उसका दो टाइम्स ए कंज्यूम होता है। तो कंपेयर करने के लिए अगर हमको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखना होगा, दैट इज यहां पर अगर हमको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू डी ए डी टी। दैट इज हमको स्टोइकोमेट्री से वन डिवाइडेड बाई द स्टोइकोमेट्री करना पड़ेगा, हमको पर मोल में ये जो होता है वो ये रेट एक्सप्रेशन, बेसिकली रेट एक्सप्रेशन को हमको लिखना पड़ेगा पर मोल के टर्म्स पर, ठीक है, तभी हम चीजों को कंपेयर कर पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ स्टोइकोमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दैट इज जैसे कि यहाँ पर था तो कोई स्टोइकोमेट्री नहीं है, इसका मतलब तो वन होता है, तो इन दैट केस हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखने से हो जाएगा। बट अगर कोई स्टोइकोमेट्री प्रेजेंट होता है, दैट इज टू थ्री और एनी नंबर इज प्रेजेंट देयर, तो उस टाइम पर हमको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखने के लिए हमको पर मोल से पर मतलब जितना मोल है उसे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ, जितना हमको एक्स्ट्रा जानना था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ओके। अभी हम फर्स्ट लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने यूनिट पढ़ा था वो क्या था, रेट कांस्टेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के विल बी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन माइनस एन और टाइम इनवर्स, दैट इज यहाँ पर एन कितना है, एन इज इक्वल टू जीरो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अगर एन इज इक्वल टू हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा मोल पर लीटर, हम जनरली मोलरिटी में ही लेते हैं, तो मोल पर लीटर वन माइनस जीरो, टाइम को हम सेकेंड में लेते हैं, ज़्यादातर टाइम हम सेकेंड में ही लेते हैं, तो
सेकेंड इनवर्स, दैट इज इट विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का काइनेटिक्स देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं, एक अगर रिएक्शन हो रहा है जहां पर ए टू पी एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जहां पर रिएक्टेंट होगा ए और प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा है, तो इनिशियली हम क्या देख सकते हैं, इनिशियली व्हेन टाइम इज जीरो, दैट इज जब रिएक्शन स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में, तब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट इज रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन हमारे पास होगा। एक्चुअली जब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तब तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विल बी जीरो। एंड एट टाइम टी, हम ये ले लेते हैं एनी टाइम टी, दैट टाइम एक्स अमाउंट ऑफ पी इज फॉर्म्ड। अगर एक्स अमाउंट ऑफ पी फॉर्म होता है तो एक्स अमाउंट ऑफ पी बेसिकली ए जो ए है उसमें उतना अमाउंट रिएक्शन होना पड़ेगा, दैट इज ए माइनस एक्स, जितना रिमेनिंग रहेगा वो हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन होगा लिखना होगा, हम कैसे लिखेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी के इंटू, इन टर्म्स ऑफ हमारा जो रिएक्टेंट होगा उसके टर्म पे लिखना होगा, और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा जीरो। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन होगा, अगर हम ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो रेट कॉन्स्टेंट है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो होगा। ठीक है, तो उसी वजह से हम ये इस चीज को के जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा डेट इक्वेशन हो गया। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन लिखना होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वो भी हमारा एक रेट एक्सप्रेशन होगा, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी डीपीडीटी, दैट इज हमारा प्रोडक्ट पी है उसीलिए डीपीडीटी, एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसके टर्म में होगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हम लिख सकते हैं माइनस डीएडीटी। ओके, तो ये हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए और पी का जो कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम टी पर, तो उस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज हम जो यहाँ पर हमको जो इन दो जगह पर जो हमको कंसंट्रेशन मिला है वो बेसिकली हम ये पी के ऊपर और ए के जगह पर अगर पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा आएगा। बेसिकली हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं कि जो हमारे पास अगर फॉर्मूला होता है तो सिर्फ कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करने से हमारे पास कैसे रेट का वैल्यू आ जाता है, तो दैट इज वाई हम अगर यहाँ पर पुट करें, दैट इज हम लिख सकते हैं के नॉट, अच्छा समथिंग टू द पावर जीरो मीन्स इसका कंसंट्रेशन कितना, ये कितना हो जाएगा वन, दैट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज दिस विल बी ओनली के जीरो। ओके, तो रेट विल बी इक्वल टू के जीरो इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी, पी का कितना कंसंट्रेशन है, पी का कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं एक्स है, दैट इज डी एक्स डी टी हम लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन पुट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी डी टी ऑफ ए माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास ये दो रेट इक्वेशन हमको मिल रहे हैं, यहाँ से हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इंटीग्रेशन करना होगा टू डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, हम अगर इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं, ओनली दिस इक्वेशन, मतलब हमको प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के साथ कर देते हैं, क्या होगा देखिए, डी एक्स डी टी विल बी इक्वल टू के जीरो, और हम लिख सकते हैं डी एक्स विल बी के जीरो डी टी, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं दैट इज जीरो टू एक्स, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू टी तक, यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी तक। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा x जीरो टू x, एंड यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये एक कॉन्स्टेंट है, k नॉट इज बेसिकली रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट होगा तो हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाएंगे, दैट इज k नॉट इंटू टी टू जीरो टू t। ओके,
तो ओके नाउ इफ यू पुट द कंसेंट्रेशन द वैल्यूज एक्स विल बी इक्वल टू के नॉट टी, ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स रिएक्शन है उस रिएक्शन का। अगर हमारे पास x का वैल्यू होता है इसका मतलब कि एट टाइम t पर कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये अगर हमको प्रोवाइडेड होता है तो हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद हमको जो देखना होगा वो दैट इज हाफ लाइफ टाइम। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि इनिशियली हम जो रिएक्टेंट हमने लिया यूज किया था उसका जितना अमाउंट है, हम रिएक्शन के प्रोग्रेस के साथ साथ जब जो इनिशियली हमने जितना अमाउंट लिया था उसका आधा जब तक हो जाएगा वो टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन को जब पूरा आधा हो जाता है, दैट इज व्हेन द टाइम व्हेन, यहाँ पर देखिए हमने जो इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया था वो क्या लिया था, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने ए लिया था तब, तो फिर टी हाफ, इसको हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। तो टी हाफ हो जाएगा व्हेन ए इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है। तो जब कंसेंट्रेशन पूरा आधा हो जाता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज द रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जब आधा हो जाता है तब वो टाइम हमको बोल सकते हैं कि वो हमारा हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। तो अगर हाफ लाइफ टाइम में हम हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला जो है दैट इज बेसिकली अगर ए इज इक्वल टू ए बाई टू, ये इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन पर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज ये हो जाएगा ए बिकम्स ए बाई टू, देयरफॉर ए माइनस एक्स, एक्स कितना होगा, एक्स होगा जितना बाकी रहेगा उतना ही, दैट इज एक्स, एक्स विल ऑल्सो बी हाफ बिकॉज जो जितना इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है उसका हाफ होने का मतलब क्या है, आधा जो बाकी जो हाफ है वो एक्चुअली रिएक्ट हो गया है, उसका मतलब एक्स का वैल्यू भी ए बाई टू ही होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम इस इक्वेशन पर पुट करते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू इक्वल टू के नॉट इन टू टी हाफ, देयरफॉर टी हाफ विल बी, और टी हाफ विल बी ए बाई टू के नॉट, ओके। तो यहाँ से हमको मिल जाता है अगर हमको इनिशियल कंसेंट्रेशन प्रोवाइड होता है एंड जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो अगर प्रोवाइड किया जाता है तो हम इजीली टी हाफ का वैल्यू दैट इज हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको देखना होगा, दैट इज द ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है इस फॉर्मूला से हमको कितने ग्राफ्स मिल रहे हैं। बेसिकली अगर ये जो फॉर्मूला प्रोवाइडेड है इस फॉर्मूला से हम x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज x वर्सेस t ग्राफ में हमको कैसे मिलेगा, x विल बी द y एक्सिस एंड t विल बी द x एक्सिस, ओके। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली कैसा दिखने में है, x इज इक्वल टू के नॉट टी, हमने एक इक्वेशन पढ़ता है दैट इज वाई इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या, कोई कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है तो हम उसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं, और जीरो अगर इंटरसेप्ट होता है बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ग्राफिकल नेचर। अगेन हम एक दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अगर ऑपोजिट ग्राफ होता है दैट इज टी वर्सेस एक्स, अगर हमारे पास टी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता है तो टी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या हो जाए, वाई एक्सिस विल बी टी एंड एक्स एक्सिस विल बी एक्स, एक्स इज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट टाइम टी, ओके। तो हम इस इक्वेशन को हमको बेसिकली थोड़ा चेंज करना होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी, ओके। तो टी को हम ऑपोजिट में ऐसा भी लिख सकते हैं के नॉट टी इज इक्वल टू एक्स, और टी इज इक्वल टू एक्स इन टू वन बाई के नॉट, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स के साथ क्या होगा,
देखिए टी हो जाएगा वाई, दैट इज वाई एक्सिस विल बी टी. ओके नाउ एक्स इज हियर, देयरफॉर एम, एम क्या होता है, एम हो जाता है स्लोप. तो ये भी हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा, बट यहाँ पर स्लोप हो जाएगा वन बाई के नॉट. के नॉट इज इक्वल टू स्लोप. अगर हमको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ से बेसिकली हम, हमारे, हमको फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर हमको ये ग्राफ इस पोर्शन से ऐसा बोल सकते हैं कि हमको ग्राफ प्रोवाइड किया गया है टी और एक्स, टी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्रोवाइडेड है और स्लोप का वैल्यू दिया गया है. ठीक है, स्लोप का जो वैल्यू प्रोवाइड होता है तो वहां से अगर हमको के नॉट, दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू अगर पूछते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम, हमको अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ओरिएंटेशन में लेना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद लेने के बाद हम यहाँ से क्या मिल रहा है, दैट इज वन बाई के नॉट इज इक्वल टू स्लोप. तो स्लोप का जितना वैल्यू आएगा उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम, हमको रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा. बेसिकली ऐसे ग्राफिकल ग्राफ से जो क्वेश्चन आता है वो सब ऐसे ही आते हैं, खूब ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है, हम इजिली ये सब कर भी सकते हैं. जनरली जितने हमको मिलते हैं वो सब स्ट्रेट लाइन के ही होता है. तो कोई स्ट्रेट लाइन आइदर विथ इंटरसेप्ट और विदाउट इंटरसेप्ट, तो ये सब इजीली हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं, नेक्स्ट हम थर्ड देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर स्लोप क्या कितना होगा, यहाँ पर अगर देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, एम का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पर स्लोप हमको मिलेगा, स्लोप विल बी इक्वल टू के नॉट. अगर x वर्सेस t ग्राफ हमको ड्रॉ करके दिया जाता है और स्लोप का वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू पूछते हैं, तो हम डायरेक्टली जितना ही स्लोप होगा वही रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू होगा. ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं, अगर हमको जो रिलेशन प्रोवाइडेड है वो अगर हाफ लाइफ के साथ प्रोवाइडेड होता है. हाफ लाइफ का हमने क्या रिलेशन देखा, यहाँ पर हमने देखा है टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के नॉट और के जीरो. ओके, अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करने दिया जाता है, दैट इज ड्रॉ ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ, यहाँ पर आएगा ए. तो ये ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, दैट इज टी हाफ हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू वन बाई टू के नॉट इन टू ए, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स. ओके, इसका मतलब स्लोप कितना हो जाता है, वन बाई टू के नॉट. ये भी हमको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा जो ओरिजिन से पास होता है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, देयरफॉर ये हो जाएगा स्लोप कितना होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू वन बाई टू के नॉट. ओके, तो इजिली अगर हमको स्लोप का वैल्यू प्रोवाइड होता है तो हम यहाँ से जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जाते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक्स होगा वो हम देखते हैं. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम कैसे देखेंगे, रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर वन माइनस वन एंड टाइम इनवर्स. कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो समथिंग टू द पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन, देयरफॉर रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट कितना होगा, टाइम इनवर्स, दैट इज अगर मिनट में होगा तो मिनट इनवर्स, सेकेंड में होगा तो सेकेंड इनवर्स, और आवर में होगा तो आवर इनवर्स. ओके, नाउ इफ यू सी द काइनेटिक्स, दैट इज ए टू पी, ए जो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. यहाँ पे भी हम इनिशियली सेम टाइप का ही करेंगे, दैट इज इनिशियली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए विल बी स्मॉल ए, तब प्रोडक्ट का कितना कंसेंट्रेशन होगा, जीरो. एट टाइम टी वी आर कंसिडरिंग एट एनी टाइम टी, देन एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म. इसका मतलब ये होता है कि एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो रिएक्टेड. तो कितना पड़ा रहेगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पड़ा रहेगा अभी ए माइनस एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास होगा. देयरफॉर वी कैन राइट द रेट विल बी
रेट हमने क्या पढ़ा है, के वन। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख रहे हैं इसलिए हम इस चीज को के वन लिख रहे हैं, ठीक है, के वन। अभी जो रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट का मास टू द पावर, पावर कितना होगा, पावर होगा जितना ऑर्डर है वो, दैट इज वन। ओके नाउ इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी डी टी ऑफ पी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डी ए डी टी। ओके नाउ अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज व्हाट विल गेट, वी विल गेट के वन समथिंग टू डी पावर वन, मतलब उस वन को हम ना भी लिखे तो चलता है, दैट इज दिस विल बी डी एक्स डी टी इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ ए माइनस एक्स। ओके ठीक है, तो अभी हम अगर इस रिलेशन को कंसिडर करके चले, अभी हम लिख रहे हैं के वन इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी माइनस वन ऐसे लिखते हैं, डी एक्स डी टी ऐसे लिख सकते हैं हम। कौन सा टाइम कंसिडर कर रहे हैं, दिस टाइम पर, दैट इज एनी टाइम टी। एनी टाइम टी पर हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, एनी टाइम टी पर हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ए माइनस एक्स अमाउंट ऑफ रिमेनिंग, इतना अमाउंट रहा है, और पी कितना फॉर्म हुआ है, पी फॉर्म हुआ है एक्स अमाउंट, दैट इज हम इस जगह पर भी ए माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, दैट इज के वन विल बी ए माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स डी टी। ठीक है, तो अभी अगर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स एंड के वन डी टी। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद इसके बाद हम इंटीग्रेट अगर करें, दैट इज जीरो टू एक्स एंड इसको इंटीग्रेट करें जीरो टू टी। ओके तो अभी हमको क्या मिलेगा, दैट इज ये जो हम रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज ये हम लिख सकते हैं ln ऑफ वन बाई ए माइनस एक्स। ओके जीरो टू वन सॉरी जीरो टू एक्स एंड यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी k1 क्या है, k1 एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दैट इज t विल बी 0 टू 1। अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ln विल बी 1 बाई ए माइनस एक्स। ओके माइनस ऑफ ln ऑफ 1 बाई a। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, के वन इंटू टी। ओके नाउ अगर हम इस चीज को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने से हमको क्या मिलेगा, एलेन ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ओके ए बाई ए माइनस एक्स, ये कैसे हो रहा है, हम लॉग का ये जो रिलेशन है एलेन का, एलेन ए माइनस एलेन बी इक्वल टू एलेन ऑफ ए बाई बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा एलेन ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ओके नाउ इट विल बी इक्वल टू के वन टी। ठीक है, तो इसके बाद ये जो रिलेशन मिला है, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमने जो इक्वेशन लिखा था वो एक्चुअली क्या लिखा था, ए टू पी एट टी इज इक्वल टू जीरो, हम बोल रहे थे यहाँ पर था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए अब जीरो, और एट एनी टाइम टी दिस विल बी ए माइनस एक्स एंड दिस विल बी एक्स। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं जो ये जो रिलेशन हमको मिला है, ये यहाँ पर ए कितना होगा, ए को हम ऐसा बोल सकते हैं ए विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, जिसको हम ए नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, और ए माइनस एक्स क्या होता है, ए माइनस एक्स होता है एट एनी टाइम टी कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा,
ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट इज ए टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को, इस इक्वेशन को ये इक्वेशन भी हम याद रख सकते हैं, ये इस इक्वेशन से भी हम कुछ सम्स कर सकते हैं, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ln of a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी k1t, इस रिलेशनशिप को ही हम याद रख सकते हैं। और एक चीज हमको याद रखना होगा, दैट इज ln इज इक्वल टू 2.303 log। अगर ln को हटाना पड़ेगा हमको कहीं पर भी, तो हम 2.303 log ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हमको हाफ लाइफ टाइम डिटरमाइन करना होगा, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टोटली हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स रिएक्शन भी करेगा हाफ अमाउंट, दैट इज फॉर हाफ लाइफ टाइम। फॉर हाफ लाइफ टाइम वी कैन से एक्स विल बी इक्वल टू ए बाई टू एंड टी विल बी इक्वल टू टी हाफ। अगर ये हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ln of a divided by a minus a by 2 equal to t half into k or k1, okay। now ln of a by a minus a by 2 का मतलब क्या होता है, a by 2 equal to t half into k1, or this will be ln 2 equal to t half into k1, ठीक है। ln2 का वैल्यू कितना होता है, ln2 का वैल्यू होता है 0.693, ln2 इज इक्वल टू 0.693, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k1, k1 और k एनीथिंग। यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया है इसीलिए, ठीक है। नाउ एक चीज यहाँ पर हमको अगर ग्राफ्स ड्रॉ करना होगा, तो हम ग्राफ्स बेसिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके पहले हम एक चीज देखना पड़ेगा जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जानना पड़ता है, दैट इज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना टाइम में कंप्लीट होता है, मतलब जब टी इज इक्वल टू 100% हो जाएगा। 100% का मतलब जब रिएक्शन टोटली जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, फाइनल कंसंट्रेशन अगर 100% होता है तो हम कैसे इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हमने क्या लिखा था, ए टू प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब होगा तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए रिएक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा एट टाइम टी, एनी टाइम टी वी आर कंसिडरिंग दैट एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, दैट इज ए माइनस एक्स विल बी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए एंड एक्स अमाउंट विल रिएक्ट, ठीक है। तो अगर टाइम इज इक्वल टू टी 100% लिख रहे हैं, 100% लिखने का मतलब अगर पूरा रिएक्ट हो गया है, पूरा रिएक्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, जितना है टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज अभी हम बोल सकते हैं जो ए का कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी, ए का जो कंसंट्रेशन होगा वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ln of a naught by a t is equal to k1 t, okay। तो ये कितना होता है, ये होता है एट टाइम टी पर जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कभी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो एट एनी टाइम टी में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमको मिल रहा है वो चेंज होता रहेगा। देयरफॉर वी कैन राइट दैट ln of a डिवाइडेड बाई जीरो, ओके, ln ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू के वन इंटू टी ऑफ 100%, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये हमको क्या मिलेगा, के वन टी 100% विल बी इन्फिनिटी, और t 100% will be
इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई के वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वो इनफाइनाइट टाइम तक होता ही रहता है, मतलब उसका लास्ट जो टाइम है वो इनफाइनाइट टाइम उसका वो कभी कम्प्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमको जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट था। अगर हमको किसी भी टाइप का परसेंटेज अगर प्रोवाइड होता है तो हम ये जो हमने किया है कि मतलब जो t इज इक्वल टू 100% के मतलब जब पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है और t इक्वल टू 50% और 75% जितना भी अगर हमको प्रोवाइडेड होगा उसके टाइम पर जितना कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको मिलेगा उसको कंसिडरेशन में रख के हम जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन है ये जो हाफ लाइफ का इक्वेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज यहाँ पर कोई टर्म ए रिलेटेड कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ये डिपेंड ही नहीं करता है। अगर इसको रिलेटेड इसका जो ग्राफ है दैट इज टी हाफ वर्सेस अगर हमको इनिशियल कंसंट्रेशन ये ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना पड़े तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ कर सकते हैं जो टी हाफ और ये होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हम जितना भी इंक्रीज करें टी हाफ का वैल्यू कभी भी चेंज ही नहीं होगा, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा दैट इज जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा कभी भी टी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिए अगर हमको एक और ग्राफ हो सकता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नेक्स्ट ग्राफ अगर हम देखें दैट इज एलेन ऑफ सी टी वर्सेस टी, सी टी का मतलब सी टी इज बेसिकली कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, मतलब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था दैट इज एलेन ऑफ ए नॉट बाई ए जीरो सॉरी ए टी इक्वल टू के वन टी, इसको ही हम लिख सकते हैं एलेन ऑफ सी सॉरी एलेन ऑफ सी टी बाई सी नॉट इक्वल टू के वन टी, देयरफॉर दिस विल बी हम इसको अलग करके अगर लिखे सी टी माइनस एलेन ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू के वन टी और एलेन ऑफ सी टी इस टर्म को हम इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो हमको मिलेगा एलेन ऑफ सी नॉट प्लस के वन टी, तो इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हमको क्या मिलेगा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमको क्या बोला था ln ऑफ सी टी वर्सेस t, ln ऑफ सी टी और t विल बी दिस एक्सिस देयरफॉर आवर ग्राफ विल बी ऑफ ln ऑफ सी नॉट सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा सी नॉट डिवाइडेड बाई सी टी, दिस विल बी एल एन सी नॉट माइनस एल एन ऑफ सी टी एंड दिस विल बी के वन टी। ओके, तो फिर हमको क्या लेना है सी नॉट को, सी नॉट वाई एक्सिस है तो सी नॉट को इस तरफ रखना होगा, तो हम अगर एल एन ऑफ सी टी ऐसे रखते हैं एल एन ऑफ सी नॉट माइनस के वन टी। ओके, तो हम इसको अगर कंपेयर करें दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा हमारा एल एन सी नॉट, एक्स विल बी इक्वल टू दैट इज टी देयरफॉर स्लोप कितना होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के, निगेटिव में हमारा स्लोप आएगा तो हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, जहां पर इतना जो इंटरसेप्ट है इतना तक का वैल्यू कितना होगा, ये जो वैल्यू है
ये हो जाएगा ln ऑफ सी नॉट, ठीक है, दैट इज द इंटरसेप्ट वैल्यू। एंड जो स्लोप है, स्लोप हमारा नेगेटिव में आ रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो बेसिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ सी टी इज इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट प्लस माइनस के इंटू टी, दैट इज स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप आ रहा है, स्लोप m इज इक्वल टू आ रहा है माइनस के, दैट इज स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के, और k और k1 जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वही होगा, ठीक है। तो ऐसे हमको बेसिकली ग्राफ्स ड्रॉ करना पड़ता है, ऐसे हम जनरल जो ग्राफ्स है वो ड्रॉ कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख लिया, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिकली जो एक जनरल इक्वेशन होता है, जो हम जनरल इक्वेशन को देखने से वहाँ पर अगर हमको ऑर्डर मेंशन किया जाता है तो हम किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, मतलब रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम लिख पाएंगे। और उसके बाद हम आरहेनियस इक्वेशन देखेंगे, दैट इज द टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का कैसा रिलेशन होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।